दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और उसके सामने आने वाले बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भारती मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सामने है दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो। तो दोस्तों, मैंने इसका एक आपको बताया था कि मैं इसे जैसे मैंने इसमें सिम डाली तो इसकी एक ऑप्शन आ गई है कि इसमें एक न्यू अपडेट आई है। तो अपडेट है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ और बाद में ये देखिए, मुझे 1.6 GB की अपडेट आई है जो कि है न्यू फेस अनलॉक। तो आपका जो ऑप्शन थी फेस अनलॉक की, वो रेडमी नोट 5 प्रो में इंडिया में आ गई है। तो मैं इसे जैसे ही अपडेट करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करने के बाद बताता हूँ आपको कि कैसी है इसकी फेस अनलॉकिंग, कैसा वर्क करती है, कितने टाइम में फेस आपका अनलॉक हो जाता है, सब कुछ। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा अपडेट था वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने दोबारा से चेक किया तो कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इससे फ़र्क ये पड़ा है कि जो मेरी सेटिंग में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉक स्क्रीन एंड ऐप्स में, यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है वो है फेस अनलॉक। यहाँ पर फेस अनलॉक ऐड हो गया है, तो मैं ऐड फेस अनलॉक करता हूँ और यहाँ पर जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया था पिन उसे एंटर करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए, मेरे फेस अनलॉक के लिए बोल रहा है कि आप यहाँ पे फेस अनलॉक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस अनलॉक आ गया है रेडमी नोट 5 प्रो में। तो इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए लोडिंग कैमरा हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं फेस है जो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ फेस अनलॉक। तो मैंने फाइनली फेस अनलॉक को कर दिया सेट। तो मैं देखता हूँ कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे। तो गाइस, ये है मेरा फ़ोन। तो मैं आपको फेस अनलॉक के बारे में बता रहा था, तो आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इसके सामने फेस करता हूँ तो इंस्टेंट ये अनलॉक हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने जैसे ही इसे ऑन किया और ये झट से अनलॉक हो रहा है, आप देख रहे होंगे। जैसे मैं बिल्कुल फेस को इसके सामने करता हूँ तो ये झट से अनलॉक हो रहा है, आप देखिए। मैंने यहाँ से इसे बंद कर दिया, कहीं भी फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ये पावर बटन प्रेस किया तो ये देखिए अनलॉक हो गया। तो काफ़ी फास्ट अनलॉक है जो कि है फेस अनलॉक रेडमी नोट 5 प्रो में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके साथ, जो फेस अनलॉक का है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे ही आने वाले टाइम में मैं इसे यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसा है ये फ़ोन और क्या क्या इसमें कमियाँ हैं और क्या क्या इसमें बेहतर है जो पिछले फ़ोनों से इसमें आया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो किसी से लाइक और शेयर दबके कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली नई नई वीडियोस को देख पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।